गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। टुडे वी विल स्टार्ट इम्पल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्करेंट फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम। बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बताया था। हम सबसे पहले इनर्शिया से शुरुआत किया था, दैन टाइप्स ऑफ फोर्सेज, दैन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम इम्पल्सिव फोर्स पर आए थे। नाउ इम्पल्स पहला टॉपिक लिखते हैं क्या होता है। फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी ऐसी फोर्स को बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर लगे, कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ओके, इम्पल्स इज अ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द स्मॉल टाइम इन विच फॉर इच इट एक्ट्स। यानी फोर्स जो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगे, उनका प्रोडक्ट ही इम्पल्स कहलाता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। इंटीग्रेशन इस वजह से कि द लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, नाउ उसका फर्स्ट कंक्लूजन है, इम्पल्सिव फोर्स इज अ वैक्टर क्वान्टिटी। पहली बात, इम्पल्सिव फोर्स क्या है? वैक्टर क्वान्टिटी है एंड इट्स एस आई यूनिट इज न्यूटन मीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज, इफ फोर्स ऑफ एन इम्पल्स इज अ चेंज विद द टाइम, अगर जो इम्पल्स की फोर्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन इम्पल्स इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय फोर्स एंड टाइम ग्राफ। तो जो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड होगा? एरिया बाउंडेड बाय द फोर्स एंड टाइम ग्राफ फॉर दैट फोर्स, उस फोर्स के लिए। नाउ इम्पल्स ऑफ अ फोर्स फॉर अ गिवन टाइम, इम्पल्स कोई फोर्स है एक गिवन टाइम के लिए, इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द गिवन टाइम। सपोज कीजिए आप किसी पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, उस दूसरी बॉडी पर क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा डेफिनेटली। तो वो किसके इक्वल होगा? इम्पल्स फोर्स के। तो आई इज इक्वल टू टी वन टू टी टू, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, एफ डॉट डी टी विच इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। अब पी टू माइनस पी वन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या डेल्टा पी भी कर सकते थे लेकिन हमने सिंपल वे में किया, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सबको आता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व, यानी जो टोटल मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब एक अलग सिस्टम है, पार्टिकल इज कंजर्व मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कंजर्व रहेंगे। नाउ इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम, अगर कोई बाहरी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है या ज़ीरो है, इट्स मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसका जो मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट है। जैसे इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन समीशन ऑफ पी, यानी कितने भी मोमेंटम हो, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ गन, जब आप किसी गन से फायर करते हैं, फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स, यानी रॉकेट जब स्पेस में जाता है, एंड जेट प्लेन्स जो हवा में उड़ता है, आर सब एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के सब एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। व्हेन अ बुलेट ऑफ अ मास एम बी, जिसका कि मास एम बी है बुलेट का, इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी वी बी, जो वेलोसिटी वी बी से फायर के ऑफ द गन, गन से फायर के ऑफ अ मास एम जी, जिसका कि मास एम जी है, विल एक्वायर वेलोसिटी, वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू। तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इजिकल्स टू जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। तो मान लीजिए एम जी वी जी एंड एम बी वी बी, ठीक है, गन और बुलेट, मास ऑफ द गन एंड मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। द नेगेटिव साइन शोज, अगर हम वी जी को फाइंड करें, यानी वेलोसिटी ऑफ द गन, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वी जी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी वी, यानी बुलेट का और गन का जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, देन गन रिकॉइल्स, जिसके अंदर से गन फायर होगी। नाउ द रॉकेट इज सेंट अप इन स्पेस विल एक्वायर अ वेलोसिटी, जो रॉकेट स्पेस में जाता है वी वेलोसिटी से, विच इज गिवन बाय वी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस यू लॉग ई एम नॉट अपॉन एम। ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट।
Now, usually initial velocity of the rocket at t is equals to 0 is v naught is equals to 0. आपको मालूम है कि जो initial velocity है rocket की वो v naught is equals to 0 है t is equals to 0. Then यहाँ पर इस equation में v naught में 0 put कर देंगे, then क्या बचेगा, v is equals to u log e m naught upon m. u is equals to exhaust speed of the gases. u क्या है, exhaust speed of the gases है. log of the ratio, log यानी log e is initial mass m naught upon rocket का mass m at the instant of time. now speed of the rocket at any instant depends upon these two factors discussed below. किस पर depend करता है, m naught यानी initial mass of the rocket and the fuel, v naught पर यानी initial velocity of the rocket पर. then m is equals to mass of the rocket at any instant time during यानी flight में जब वो हवा में हो, and velocity acquired by the rocket यानी वो velocity जो हवा में हो किसकी, rocket की, with respect to ground, ground respect. okay, so these are the some example of conservation of momentum. now concurrent forces and equilibrium. concurrent force क्या है, a group of force which are acting at one point are called concurrent force. ग्रुप ऑफ फोर्स यानी मैनी फोर्सेज एक्टिंग ऑट एट एन वन पॉइंट, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स. लाइक एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एक्टिंग एट सेम पॉइंट, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स. नाउ कॉन्करेंट फोर्स आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर कोई कॉन्स्टेंट फोर्स है, कॉन्करेंट फोर्स है, और वो इक्विलिब्रियम में कब है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको समझते हैं. इफ देयर इज अ नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी आइदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. अगर बहुत सारी फोर्सेज किसी बॉडी पर, अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन पे लग रही हैं, तो उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट कोई चेंज ना आए, तो वहाँ पर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, देन दीज कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, वो इक्विलिब्रियम होंगी. सपोज कीजिए ये रेस्ट में है बॉल, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, ये इनका की मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ऐसे ही ये मूविंग कार है जिनका कि मैग्नीट्यूड F1, F2, F3, F4 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में. ठीक है, फॉर अ कॉन्करेंट फोर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई कॉन्करेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में होना चाहती है, द रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया. इन केस ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्स, अगर थ्री कॉन्करेंट फोर्स एक्टिंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में एक्ट करती हैं, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इक्विलिब्रियम होनी चाहिए. इफ़ दीज थ्री फोर्स मे बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाई थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर ये थ्री फोर्सेज किससे प्रेजेंट कर रही हैं, थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टेकन इन ऑर्डर नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्स इज मोर देन थ्री, अगर हम इसे ऐसे लें कि नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्स इज मोर देन थ्री, देन दीज फोर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई द साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन. तो अगर थ्री से ज़्यादा होगी तो वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगी. पॉलीगॉन तो आप समझते हैं, है ना, क्लोज्ड पॉलीगॉन. तो मैथमेटिकली एफ समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जीरो, देन एफ वन प्लस एफ टू अप टू एफ एन इज इक्वल्स टू जीरो. इफ दीज थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एक्ट एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं, देन एफ वन अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एफ टू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू एफ थ्री अपॉन साइन गामा. ये आप देख सकते हैं थ्री फोर्सेज एक पॉइंट पर लग रही हैं, वेयर अल्फा, बीटा, गामा आर एंगल्स इंडिकेटेड. ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस विच इज इन इक्विलिब्रियम.